नमस्कार, एलईडीज माय चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको एक क्रोशिया से डिज़ाइन बता रही हूँ। इसे आप शॉल, स्वेटर, मफलर किसी में भी डाल सकती हैं। इसे दो कलर में बना सकती हैं, इसे एक कलर में बना सकती हैं, या तीन या चार कलर लगा सकती हैं। तो चलिए कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने पैटर्न के लिए कुछ चेन बना लिया है और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन। आप इसको बॉर्डर के ऊपर से भी डिज़ाइन स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पहले मैंने दो चेन छोड़ते हुए एक दो और तीसरे वाले में एक और ये दो दो ट्रिपल एक साथ बना दिया। फिर उसी में हमें एक और ये दो हमें उसी में बना लेना है। ये देखिए, अब हमें दो चेन छोड़ के एक और ये दो तीसरे वाले में हमें ट्रिपल बनाना है। एक दो तीन चार पांच, ये पांच ट्रिपल बनाया। ये देखिए, ये पहले मैंने एक यहाँ पे एक फ्लावर नुमा बनाया है, दो ट्रिपल को एक ही साथ बंद किया है और ये पांच ट्रिपल बनाया। अब यहाँ पे हम अगले वाले चेन में एक फंदे में चार ट्रिपल बनाएंगे। तीन और ये चार ट्रिपल, ये चार ट्रिपल बन गया। और फिर हमें पांच ट्रिपल बनाना है इसके आगे। एक दो तीन चार और ये पांच। ये देखिए, ये यहाँ पे एक में चार पड़ने से ये ऐसे उठा हुआ हो जाता है। और फिर हम ये किनारे वाला जो फ्लावर था ये बनाएंगे। इसके लिए हम एक चेन यहाँ छोड़ देंगे और अगले वाले में वही प्रोसेस है। एक, आप इसे और मोटा बनाना चाहती हैं तो तीन बार ट्रिपल डाल सकती हैं। तो मैंने दो ट्रिपल डाला है और इसको एक साथ बंद कर दिया। फिर एक चेन लिया, फिर दो ट्रिपल, एक और एक दो, दो ट्रिपल। ये देखिए, फिर एक चेन छोड़ते हुए हम आगे फिर पांच बनाएंगे। ये पांच ट्रिपल हम फिर बनाएंगे, दो तीन चार और ये पांच, पांच बनाया। फिर यहाँ पे एक फंदे में हमें चार बार डालना है, चार ट्रिपल। एक, इसी में हमें चार ट्रिपल डालना है, दो तीन और ये
चार, ये देखिए, फिर वही पांच ट्रिबल हमें बनाना है। ऐसे आप लंबाई बनाते जाइए, जितना बड़ा बनाना है एक एक चेन छोड़ते हुए अगले में, सॉरी पास वाले ही चेन में डालिए। एक, दो, तीन, चार, ये पांच, और फिर लास्ट में हम ये बनाएंगे एक ट्रेवल में दो बार डाल के, दोनों को एक साथ बंद करेंगे, एक चेन लेंगे और फिर उसी जाली में एक और ये दो, इस तरह से पहली लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम अगली लाइन आपको बता रहे हैं। एक चेन लिया और फिर धागा पलटे, फिर हमें वही प्रोसेस करना है। एक और ये दो, दो को एक साथ बंद कर दिया, फिर एक चेन लिया, फिर उसी फंदे में एक और ये दो, दो को एक साथ बंद कर दिया। यहाँ पे हमें एक ट्रिबल छोड़ते हुए एक ट्रिबल, ये शुरू वाले ट्रिबल में हम नहीं डालेंगे, हम इसको छोड़ देंगे, हम इसके अगले वाले ट्रेबल में डालेंगे, लेकिन फंदा मेरे पांच ही रहना चाहिए। तो वो कैसे होगा हम बता रहे हैं। तो ये डालें, एक, दो, तीन, चार और ये पांच। देखिए हमारे पांच फंदे बन गए। और फिर ये जो हम एक में चार डाले थे, ये एक में जो चार हम डाले थे, ये तो एक में तो ये ट्रिबल बन गया, इसके अगले वाले में हम फिर वही एक में चार करेंगे। एक, दो, तीन और ये चार, फिर एक में चार, फिर वही पांच फंदे हमारे चाहिए। एक, दो, तीन, चार और ये पांच। फिर देखिए लास्ट में हम ये छोड़ दिए हैं, इसके लिए हम यहाँ पे एक चेन ले लेंगे ताकि टाइट ना हो। और फिर वही हम ये एक, दो, दो को एक साथ बंद कर लिया, फिर एक चेन लिया, फिर एक, दो, फिर एक साथ बंद किया, फिर हम एक ये छोड़ते हुए अगले वाले ट्रेबल में एक चेन लेके अगले वाले ट्रेबल में हम ये बनाएंगे। ये देखिए काफ़ी आसान डिज़ाइन है और जल्दी बनता है। इसे आप बिना फंदे के भी बना सकते हैं, मत ये फंदा ना लेके बिना फंदे के भी बना सकते हैं। प्रोसेस यही रहेगा, बस ये फंदा नहीं लेना रहेगा। चार और ये पांच, पांच हो गए, और बीच वाले ट्रेबल में फिर वही चार, दो, तीन और ये चार, फिर हम इधर पांच कर लेंगे। इसे आप छोटा बड़ा, इसे सात का भी कर सकते हैं, आठ का भी कर सकते हैं, तीन का भी कर सकते हैं।
फिर हम अपना ये वाली जाली छोड़ देंगे और एक चेन लेके वही फ्लावर वाला, एक दो, एक चेन लेंगे और फिर वही एक फंदे में दो बार करके एक साथ हम इसे बंद कर देंगे। फिर एक चेन लेंगे, एक चेन लेंगे, धागा पलटेंगे और फिर वही प्रोसेस, एक दो, फिर एक चेन लेंगे और फिर वही प्रोसेस, एक और दो, ये किनारे हमारा ऐसे चलते जाएगा। फिर ये यहाँ हम ये दो ट्रेबल को छोड़ते हुए ये जाली के अगले जाली में, इस जाली में नहीं अगले जाली में हम ट्रेबल बनाएंगे एक चेन लेते हुए। एक दो तीन चार चार और ये पांच, फिर ये बीच वाले में हम एक फंदे में चार फंदे, फिर ये छोड़ देंगे एक जाली, एक चेन लेंगे आगे वाले में, ये फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर को हम दो के बजाय तीन भी कर सकते हैं, आपको जितना मोटा रखना हो। देखिए हम तीन भी करके आपको दिखा दे रहे हैं, एक दो और ये तीन, इससे और मोटा हो गया और ये दो वाला पतला है। फिर एक चेन लेंगे ये जाली छोड़ते हुए अगली जाली में, हमें पांच ट्रेबल बनाना है, चार, ये जो चार में डाले थे एक साथ उसके में भी एक ट्रेबल बनाएंगे ये, और बीच वाले में, ये देखिए बीच वाले में हम एक में चार बनाएंगे। फिर वही प्रोसेस, ये जाली छोड़ते हुए एक चेन लेके अगले वाले में वही हम ये तीन का कर दे रहे हैं। देखिए एक चेन लिए, फिर वही एक जाली में तीन बार फंदा एक साथ, हम ख़त्म करेंगे एक चेन लेते हुए, फिर पलटेंगे हम। ये डिज़ाइन हमारा इस तरह से बन रहा है। फिर हमें वही प्रोसेस करना है, ये जाली छोड़ते हुए, ये पहली जाली छोड़ते हुए अगले जाली में एक चेन लेके पांच ट्रेबल तैयार करेंगे। अगले वाले में देखिए ये जैसे हम चार फंदे डाल रहे हैं तो दो इधर और बीच वाले में हम चार फंदा फिर तैयार
तैयार कर लेंगे। फिर हमें 5 टेबल बनाना है। ये देखिए एक कलर में कंप्लीट हो गया। इसे हम 2 कलर में भी बना सकते हैं। तो चलिए वाइट लगा के हम देखते हैं हमारी डिज़ाइन कैसी लगती है। चाहे तो आप एक कलर में बना सकते हैं, प्रोसेस यही रहेगा, बस कलर अलग जुड़ जाएगा। तो चलिए वाइट कलर हम लगाते हैं। देखिए प्रोसेस वही है, यहाँ एक फ्लावर बनाया, ये 4 ट्रिबल अभी तैयार हुआ, ये 5वां ट्रिबल बना रहे हैं, ये 5वां ट्रिबल तैयार हुआ और ये बीच वाले में हम एक में 4 ट्रिबल डालेंगे। चार हुआ, फिर इधर से हमारा 5 जाएगा और लास्ट में एक ट्रिबल छोड़ देंगे। फिर एक चेन लेंगे और अपना ये फ्लावर कंप्लीट करेंगे, एक में 3 बार एक चेन, फिर एक में 3 बार, तीनों फंदा का एक साथ घटाएंगे हम। ये देखिए फिर एक चेन लेंगे और ये वाला ट्रिबल छोड़ते हुए अगले वाले में हम ट्रिबल तैयार करेंगे। चार और ये 5, और ये बीच वाले में एक में 5, 4 बार, देखिए हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हुई। अब अगली लाइन, इसी तरह से हम आगे बढ़ाते जाएंगे अपनी डिजाइन। कलर चाहे एक रखें चाहे 2 रखें या 3 कलर, जो एक ट्रिबल छोड़ते हुए ये डिजाइन, ये लाइन उसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। अब हम अगला फिर वही कलर लगा रहे हैं, ये 2 लाइन सफ़ेद हो गए, फिर उसी तरह से एक ये छोड़ते हुए अगले वाले ट्रिबल, 2, 3, 4 और ये 5, और ये जो 4 हम एक में डाल रहे हैं तो इसमें तो एक ट्रिबल बन गया, फिर बीच वाले में वही हम 4 बनाएंगे। चार बनाए और ये अगला वाला,
ये छोड़ दिया, अगला वाला ये जाली हमने छोड़ दिया, ये चेन लिया और ये इस वाले में फिर वही फ्लावर बनाए। तीनों को एक सा एक चेन, तीनों को एक सा एक चेन, एक ये छोड़ते हुए आगे वाले में ऐसे ही रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए डिजाइन बनकर कंप्लीट हो गया। आप एक रंग में बनाना चाहें एक रंग में बनाएं, दो रंग में बनाना चाहें दो रंग में बना सकते हैं। प्रोसेस यही रहेगा, कलर चेंज रहेगा। आशा है कि डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।